मैं मृत्युंजय मिश्रा आज आपके सामने कुछ बातें करने आया हूँ। आज मैं बातें करूंगा उन सभी चीजों को लेकर कि क्या बात है कि आज बहुत अच्छा टैलेंट होने के बावजूद बहुत सारे बच्चे कहीं पे जाते हैं, अच्छी जगह पे जाते हैं, ऑडिशंस में जाते हैं तो वहाँ पे छट जाते हैं। इसका क्या कारण है? वो बहुत अच्छा डांस कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा हिप हॉप करते हैं, बहुत अच्छा बॉलीवुड स्टाइल करते हैं, बहुत अच्छा सेमी क्लासिकल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अच्छी जगह जाकर अच्छी जगह पे मतलब कि पहला राउंड पार कर जाते हैं, दूसरा राउंड पार कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो छट जाते हैं। उसका कारण क्या है? आज क्या होता है, मैक्सिमम लोग क्या होता है, वो डांस सीख रहे होते हैं तो वो किसी की डांस को कला को देखकर, अरे बहुत अच्छा डांस कर रहा है, चलो मैं भी डांस करता हूँ, बहुत अच्छा वो कर रहा है तो मैं भी डांस करते करते वो उसके उसके साथ वो डांस करने लग जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है किसी भी अच्छी जगह पे सिलेक्शन करने का, वो होता है आपके बोलने का तरीका। सबसे बड़ी बात, टैलेंट धरा का धरा रह जाता है, अगर आपके अंदर बोलने का कला नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। क्योंकि आप जब किसी जगह पे जाते हैं तो वहां पे एक पर्टिकुलर एक राउंड होता है जिसका नाम होता है इंटरव्यू राउंड। इस राउंड में आपसे बहुत सारे सवाल जवाब किए जाते हैं, आपकी जिंदगी को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर, आपके कैरियर को लेकर, आपके अपने आप को लेकर, ये सभी चीजों को लेकर सवाल किए जाते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि आप उस लायक हो कि नहीं हो कि आप उस जगह पे जा सकते हो। कहीं कहीं तो ऑडिशन ये ही नहीं जाते हैं, सीधा आपसे इंटरव्यू राउंड में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका नाम क्या है, आप ये फील्ड क्यों चुने, आपने आप यही चीज फील्ड क्यों चुना, आप ये नहीं होते तो क्या होते, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और बस इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाता है कि आप एक अच्छे एक्टर हो या एक अच्छे डांसर हो या एक अच्छे सिंगर हो। इसका सिलेक्शन बस इस चीज में हो जाता है। सबसे पहले वो देखते हैं कि यार ये बंदा बोलता अच्छा है कि नहीं, ये बहुत सारी जगहों पर होता है। इसका कारण क्या है? आपका सिलेक्शन किया जाता है एक ही चीजों के लिए। अगर आपको कोई ले रहा है, अपने चैनल में ले रहा है, अपने फिल्म में ले रहा है, अपने कहीं ऐसी जगह पे ले रहा है जहां पे लोग आपको देख रहे हैं, तो उसका मेन मोटो बस एक ही होता है, पैसा कमाना। कोई भी कंपनी अगर आपके पीछे पैसा लगाती है तो वो बस इसलिए लगाती है कि वो आपसे पैसे कमा सके। इसका एक ही जरिया होता है TRP, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। अगर आप किसी रियलिटी शो में जाते हैं, बहुत अच्छा देखते हैं कि किसी किसी को कहते हुए आपने सुना होगा कि वो बहुत अच्छा डांसर है, बहुत अच्छा हिप हॉप करता है, बहुत अच्छा बॉलीवुड करता है, या मतलब एक्सप्रेशन बहुत अच्छा देता है और डांसेस मतलब सिंगिंग बहुत अच्छा करता है, एक्टिंग बहुत अच्छा करता है, लेकिन फिर भी वो छट जाता है। बहुत अच्छा, आप उसको देख के लगता है कि यार ऐसा डांसर तो मतलब मिलना मुश्किल है, लेकिन वो फिर भी जाकर एक अच्छी जगह पे जाने के बाद वो छट जाता है। उसका एक ही कारण होता है कि चैनल वाला TRP बनाना चाहता है, वो आपसे बस और बस TRP चाहता है। आप देखे होंगे, कभी आप TV देखते हो तो आपने गौर किया होगा कि जब कोई शो चल रहा था उसके बीच में डांस खत्म हुआ, डांस खत्म होते के साथ बच्चे से सवाल जवाब किए जाते हैं, वो जज आपसे उससे सवाल जवाब करते हैं, वो बच्चे उसका जवाब देते हैं, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। इसके लिए एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस होती है, उसे सवाल क्या पूछा जाएगा, जज क्या जवाब देंगे, ये सभी चीज़ों की प्रैक्टिस होती है ताकि बच्चा सही तरीके से जवाब दे सके। इसके लिए इंटरव्यू राउंड होता है। अब क्या होता है, आप उसको देखते हैं बैठ के, वो बच्चा हंसी मजाक कर रहा है, जज हंसी मजाक कर रहे हैं, वो बच्चे को लेकर कुछ बोला वो मजाक कर रहा है, बच्चा अचानक से रो रहा है, ये सब कुछ वो तभी होगा जब उसको TRP मिलेगा और वो पैसा कमाएगा ये सभी चीज़ों से। और वो कैसे होगा, वो आपके अंदर के टैलेंट से होगा कि आप कितना अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके।